अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कामयाब अदाकारों के जुड़वा बहन भाइयों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से काफ़ी आपस में बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखते हैं। नंबर वन, हमाद फारूकी और फराज फारूकी। ये दोनों भाई आपस में इस हद तक मुशाबहत रखते हैं कि इनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। इन दोनों की शक्लें ही नहीं बल्कि शौक भी आपस में बहुत मिलते हैं। हमाद ने शोबीज में आने के लिए डांस के मुकाबले का सहारा लिया, जबकि फराज ने बहुत ही कम उम्र में बतौर मॉडल कमर्शियल में काम करके अपने करियर का आगाज़ किया। अब दोनों भाई अपनी शानदार एक्टिंग से ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं। नंबर दो, अहमद खान और मीनार खान। इन दोनों अदाकार बहनों ने बचपन से ही अपने करियर का आगाज़ बतौर चाइल्ड स्टार किया था। इसके बाद दोनों ने ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत मकबूलियत पाई और फिर दोनों ड्रामों में लीडर रोल में नज़र आने लगी और अब इनका कैरियर अरूज पर है। शादी मुनीब बट से हुई है और वो अपने बेहतरीन शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर तीन, ज़ाले सरहदी और ज़ाइला सरहदी। ये दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे से बहुत मुशाबहत रखती हैं। ज़ाले सरहदी ने शोबिज इंडस्ट्री में अपना खास मुकाम बना लिया है, जबकि इनकी बहन का इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों बहनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। नंबर चार, एहसन खान और यासिर खान। एहसन खान हमारी शोबीज इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर और बासलाहियत अदाकार होने के साथ साथ बेहतरीन होस्ट और प्रोड्यूसर भी हैं। एहसन खान के भाई इनसे काफ़ी मुशाबहत रखते हैं। इनके भाई का शोबीज से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनका रुझान मजहब की तरफ है और वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में रहते हैं। नंबर पाँच, कोमल अजीज़ और कनीज़ फातिमा। कोमल अजीज़ अब ड्रामा इंडस्ट्री की शानदार अदाकारा हैं। कोमल अजीज़ ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शोबीज़ को ज्वाइन किया, जबकि इनकी बहन पेशे के अतबार से डॉक्टर हैं। इन दोनों बहनों की शक्लें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। कोमल अजीज़ अक्सर अवकात अपनी बहन के साथ किसी शो में नज़र आती हैं और वो अपनी बहन के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे।